देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो डी वाई को एज इट इज रहने देते हैं, वन प्लस वाई स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये डी एक्स आएगा इधर, वन प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, और यहाँ हो गया डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं तो डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। तो इसे जब हम टी लेंगे, लेट टी इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस वाई स्क्वायर, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा टू बाई डी वाई, यानी कि डी टी अपॉन टू हो जाएगा बाई डी वाई बाई। तो बाई डी वाई की जगह आप ये क्या किया मैंने, सॉरी यहाँ पर गलत फॉर्मूला लगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आसानी से कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला मालूम है। सिंस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स बाई अपॉन ए, यानी बन ये देते हैं इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वन का होगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री और ये आ जाएगा सी, इसको आप सी ले सकते हो। टेन इनवर्स बाई इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी, और टेन को इधर ले जाएं तो बाई इक्वल टू आ जाएगा टेन एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। सेवेंथ है बाई लॉग वाई डी एक्स बाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो बाई लॉग वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। अब आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो बाई लॉग वाई को राइट साइड में भेज दो तो डी वाई अपॉन बाई लॉग वाई और ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर दो यहीं पर इसे, तो बाई लॉग वाई यहाँ पर अगर हम लेट टी इक्वल टू लॉग वाई ले लें, टी इक्वल टू लॉग वाई, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन बाई डी वाई, तो डी वाई अपॉन बाई की जगह आप डी टी पुट करोगे, ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा आपका डी टी अपॉन टी, तो जो हो जाएगा लॉग टी और प्लस सी। अब आप केवल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, चूँकि लॉग में दिया है, अगर लॉग में लोगे तो क्या आ सकता है, लॉग में ही ले लो। चलो लॉग में अगर हम मान लो सी को लिए लेते तो ये आ गया आपका लॉग एक्स इक्वल टू लॉग टी की जगह यूज करेंगे हम लॉग बाई प्लस लॉग सी, तो लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग, ये लॉग एम प्लस लॉग एन है तो लॉग एम इंटू एन लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, यानी कि सी वाई लॉग सी सी इंटू लॉग वाई ये होगा सी इंटू लॉग वाई। तो अब लॉग हम ये समझ लें दोनों साइड का हटा देते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू रह जाएगा सी लॉग वाई
और अब log y, अगर y की हम वैल्यू अकेली निकालना चाहते हैं तो c को हम राइट साइड में लेफ्ट में भेज दें, तो ये हो गया x अपॉन c इक्वल टू log y, और जब log अब हटाओगे एंटी log लोगे तो ये आ जाएगा e टू पावर x अपॉन c में, यानी कि log y इक्वल टू x अपॉन, देखो एक और कर सकते हो, 1 अपॉन c, 1 अपॉन d, 1 अपॉन के सभी कॉन्स्टेंट हैं और आपको आदत केवल c में देखने की है तो इसे c में देख सकते हो, या फिर वही हम c1 ले लेते हैं, log c1 c1, अभी हम चेंज कर देंगे इसे, अब ये जो 1 अपॉन c1 आ गया है इसकी जगह हम c कर देंगे तो cx हो जाएगा, log y इक्वल टू c, log y इक्वल टू आ गया 1 अपॉन c1 की जगह c, यानी कि cx, तो अब y जब हटाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर cx, ये केवल अरेंजमेंट किया है आपकी आंसर बुक से आंसर टैली करने के लिए, अदरवाइज आप वैसे ही लिख सकते थे, लॉग में न लेते तो भी चल जाता। देखते हैं एट्थ क्वेश्चन दिया है, x टू पावर 5 dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई टू पावर 5, तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dy इसको लाते हैं लेफ्ट में, तो dy अपॉन y टू पावर 5 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल टू माइनस ये dx जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, और अपॉन x टू पावर 5 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये अब इंटीग्रेट किए देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये dy अपॉन y टू पावर 5 हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे लिखें कि y टू पावर माइनस 5 dy इक्वल टू माइनस x टू पावर माइनस 5 dx, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन y टू पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू x टू पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 5 प्लस 1। तो कांस्टेंट c लेते हैं, ये हो जाएगा y टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू x टू पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। अब देखो यहाँ हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, इसलिए कि अभी हम मान लो ये 4 को हटाएंगे तो आप कहोगे कि c के नीचे 4 नहीं था कैसे हट गया, तो इसे भी हम c1 किए लेते हो, हमने 4 से मल्टीप्लाइड कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, अब आप ये समझ सकते हो कि 4 कॉमन ले लिए, ये 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो आपका 4c1 है ये क्या है, c1 एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करते तो वो भी एक कांस्टेंट होगा और उसको हम नेम दे देंगे c, तो ये आपके दोनों ये हो गए इस तरह से कैंसिल, तो आ गया y टू पावर माइनस 4 इक्वल टू माइनस x टू पावर माइनस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4c1, इसकी जगह c पुट कर देंगे तो y टू पावर माइनस 4 इसको लेफ्ट में लाते तो प्लस हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू c, या अरेंज थोड़ा सा कर दो, x टू पावर माइनस 4 प्लस y टू पावर माइनस 4 इक्वल टू c, तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। कांस्टेंट रखते समय कन्फ्यूजन मत रखा करो कि चाहे c1 हो, 1 अपॉन c1 हो, 2c1 हो, ये सभी कांस्टेंट होते, चाहे c कह लो, a कह लो, b कह लो, k कह लो, कुछ भी इसे नेम हम दे सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x,
तो प्रोसेस में सबसे पहले हम करते हैं वेरिएबल सेपरेट, तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट करते हैं डी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई, इसका तो जानते हो आप वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि साइन इनवर्स एक्स का नहीं आता है हमें, तो मैंने बताया था कि जब भी कभी इनवर्स फंक्शन हो तो बाई पार्ट करते यहाँ वन ले लो। अब चूँ किसे फर्स्ट लोगे किसे सेकंड, तो जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसे सेकंड ले लो, ये हमें आता है करना, और इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं। तो डी वाई का हो जाएगा बाई इक्वल टू फर्स्ट को एज इट इज, यानी कि साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट का, यानी कि वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट का यानी कि एक्स और ये डी एक्स। तो बाई इक्वल टू आ गया आपका, एक्स को आगे लिख लिया हमने साइन इनवर्स एक्स और माइनस ये है आपका टी ले ले हम, लेट टी इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते टी इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू एक्स डी एक्स, या माइनस डी टी वाई टू हो जाएगा एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की जगह आप डी टी वाई टू यूज करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रूट टी हो जाएगा डी टी, यहाँ वन अपॉन टू कर दें डी टी अपॉन रूट टी, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट टी, को हम इस लिख सकते हैं इस तरह से टी टू पावर माइनस वन अपॉन टू और ये डी टी, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू, तो ये टी टू पावर वन अपॉन टू अपॉन वन अपॉन टू, और अभी अब आपको सी लगाना पड़ेगा, तो टी हमने लिया है यहाँ पर टी इक्वल टू लिया है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो टू से टू ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस टी टू पावर हाफ, यानी कि प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते से, और प्लस सी, मुझे लगता है इतना ही छोड़ दो, ये बाई आ चुका है आपका और ठीक ठाक फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हो। देखते हैं टेंथ क्वेश्चन, इसमें दिया है e टू पावर x टेन y डी एक्स प्लस वन माइनस e टू पावर x sec स्क्वायर y डी वाई। तो वेरिएबल सेपरेट करने से पहले इसको राइट साइड में भेजेंगे, e टू पावर x टेन y डी एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस e टू पावर x sec स्क्वायर y और ये डी वाई sec स्क्वायर y डी वाई। तो वन माइनस e टू पावर x को राइट में लाते हैं, लेफ्ट में लाते हैं, तो e टू पावर x डी एक्स अपॉन वन माइनस ई टू पावर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और ये हो गया आपका डी वाई। इंटीग्रेशन यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं लेट टी वन इक्वल टू वन माइनस, लेट टी वन इक्वल टू वन माइनस ई टू पावर एक्स, तो डी टी वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई टू पावर एक्स डी एक्स, या माइनस डी टी वन हो जाएगा ई टू पावर एक्स डी एक्स। इसी तरह से हम लेट करते हैं टी टू इक्वल टू
ये टी वन टी टू इसलिए लिया कि दोनों जगह टी लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ क्या हमने यूज किया यहाँ क्या। तो यहाँ टेन वाई है टी टू इक्वल टू टेन वाई, तो डी टी टू इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई और डी वाई। तो ई टू पावर एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी वन यूज करेंगे, तो माइनस डी टी वन अपॉन टी इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह डी टी टू यूज करेंगे और टेन वाई की जगह टी टू यूज करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा लॉग टी वन इक्वल टू लॉग टी टू प्लस सी। यहाँ देखो लॉग सभी में है तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग टी वन, टी वन की जगह आप यूज कर सकते हो, टी वन हमने लिया था वन माइनस ई टू पावर एक्स, वन माइनस ई टू पावर एक्स इक्वल टू लॉग टी टू की जगह यूज कर सकते हो, लॉग टी टू की जगह टेन वाई प्लस लॉग सी। तो इसे लिख सकते हो लॉग वन माइनस ई टू पावर एक्स इक्वल टू, ये लिखा है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी यानी कि लॉग सी टेन वाई तो लॉग दोनों एंटी लॉग ले लो, समझ लिया हमने, वन माइनस ई टू पावर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा सी टेन वाई। अब टेन वाई इक्वल टू वन माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन सी भी कर सकते हो आप, टेन वाई इक्वल टू वन माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन सी। अब आप आंसर अपना देख लो क्या कहता है। अब अगर बुक से ही टैली करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना होगा, वही सी में हमने यहाँ पहले सी वन ले लिया लॉग सी वन लॉग सी वन और ये सी वन और यहाँ पर सी वन, तो वन अपॉन सी वन की जगह हम सी यूज कर लेंगे तो ये आ जाएगा टेन वाई इक्वल टू सी वन माइनस ई टू पावर एक्स। तो इस तरह से ये टेन क्वेश्चन वो थे जिनमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। अब आगे कोई जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था करना पड़ेगा। यहाँ हमने जनरल सॉल्यूशन में फैमिली ऑफ सॉल्यूशन होती है, मीन्स कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन होगा। पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू जब कॉन्स्टेंट की पुट करेंगे तो वहाँ आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो केवल डिफरेंस इतना होगा कि आप यहाँ तक तो करेंगे ही, जहाँ आपका सी आ जाता है तो उस सी की वैल्यू के लिए आपको एक्स वाई की वैल्यू दी जाएंगी, तो सी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है। तो ये स्पेसिफिक यानी कि मेंबर आ जाएगा उस फैमिली का, जो सॉल्यूशन की फैमिली आप निकाले अभी, ये जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन की फैमिली है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसका एक मेंबर है पर्टिकुलर। थैंक यू, नोटेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।